हम लोग रेडी है, रेडी है। पवनदीप बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे गाने आते रहते हैं तो कब से काम कर रहे हैं हम लोग, गानों के लिए काम कर रहे हैं कि हमारे अच्छे अच्छे गाने आए, तो उन्हीं अच्छे गानों में से हमने कोशिश की है अपना दूसरा गाना निकालने की और बहुत अच्छे से कनेक्ट किया है और हमने और अनुता ने गाया है वो गाना, तो बहुत सुंदर गाना है और बहुत अच्छा लगा, कुछ नया करने को मिला क्योंकि हम लोग हमेशा सुंदर म्यूज़िक वाले म्यूज़िक ही करते रहते हैं, जिसमें कुछ एक्टिंग वगैरह भी करनी पड़ी, चेहरा बनाना पड़ा कुछ ऐसा करने का, तो वो में दिक्कत होती है मुझे उसमें, पर हो गया, सब लोगों ने बताया तो हो गया। आप क्या बताना चाहेंगे सॉन्ग को लेकर? गाना अपने आप में बेहद सुंदर है क्योंकि उसे सभी जानते हैं कि पवनदीप ने और अनिता ने गाया है और उनकी आवाज़ में जब हम वो शूट कर रहे थे तो अपना ही एक यू नो इंटरेस्ट आता है बिकॉज वो इतना सुंदर लगता है सुनने में, जैसे कि सभी इनके फ़ैन हैं और अनिता के भी फैंस हैं, तो जब मैं सुन रही थी ना तो मैं मतलब वो जो फैन वाला फैनलिज्म होता है वो मैं भी कहूँगी कि मैं भी इनकी फ़ैन बनती ही चली जा रही थी, इट वॉज़ लाइक इंक्रीजिंग। तो गाना अपने आप में खुद ही इतना सुंदर है उनकी आवाज़ में, और हमने जब बनाया तो राज सर का जो कंपोजिंग है, कोरियोग्राफी है, जो कंसेप्ट इनके दिमाग में चल रहा था तो वो काफ़ी अलग अलग तरह से था। और मैं बताना चाहूँगी कि ये गाना सिर्फ एक ही दिन में हमने किया है, कम्प्लीट वन डे में। तो उसमें ऐसा हो रहा था कि जब राज ने मुझे बताया कि चित्रा ये गाना है और ऐसा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सुन के, उन्होंने जब बताया कि ये उनकी प्रिपरेशंस हैं और बहुत ही शॉर्ट टाइम में उन्हें करना है, तो वी मेड, हमने एक दिन रिहर्सल किया और नेक्स्ट डे हमने सॉन्ग कंप्लीट किया। सो ये अपने आप में इतना सुंदर होते जा रहा था ना, तो आई वॉज वेरी श्योर कि जब भी ये बनकर तैयार होगा तो बहुत सुंदर लगेगा, और हमें उसका रिस्पांस देखने को मिल ही रहा है कि सभी को बहुत पसंद आ रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। ये जो गाना है फुर्सत, मैं सबसे पहला जिसने म्यूज़िक दिया है काशी जी ने, बहुत अच्छा म्यूज़िक है और हम लोगों को थोड़ा पीछे लेके जाता है, जैसे कि DDLJ और थोड़ा उस 90s के दौर में भी लेके जाता है, और जैसे कि आशिकी के गाने हैं, जैसे तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये सब का मेलोडी था। तो सब जब भी मैंने पहले ये गाना सुना था तो ये जो फुर्सत की जो लाइन है, मुझे फुर्सत ही नहीं, खाली मुझे वही अच्छा लगा था लिरिक्स में पूरे में। फिर हम लोग ने पूरा उसको चेंज कर दिया अलबित्त लिरिकली, अराफात जी ने और मुकेश मिश्रा जी ने इनका लिरिक्स दिया है उसके अंदर, और पवनदीप और अरुणिता का जो आवाज़ है वो एक्चुअली सीधा दिल को छूती है ये गाने से। जब ये रिकॉर्ड भी कर रहे थे तो पवनदीप ने जरा अलग वे से गाया है इसको, मैंने इनको एक रिक्वेस्ट किया था और एक अच्छा एक अलग स्टाइल से गाया है पवनदीप ने। अरुणिता आई थिंक शी इज़ वेरी अंडररेटेड सिंगर एंड आई थिंक बहुत आगे जाएंगी वो। और जब ये शूट भी कर रहे थे तो ये सर कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक कपल जो होता है जो टीनेजर में, उसमें हमेशा एक झगड़ा होता है और एक इनसिक्योरिटी होती है एक दूसरे के खिलाफ कि अरे तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो पहले की तरह, तो क्या है दूसरा लड़की या लड़के को बोलती है, लड़का लड़की को बोलता है, तो क्या है वो लड़का उसको इम्प्रेस करने के लिए गाना गाता है या कुछ भी करता है, ये हर एक कपल के बीच में होता है। तो हम लोग ने वही कॉन्सेप्ट रखा था कि जब लड़की कंप्लेंट करते हैं तो पहले की तरह प्यार नहीं करते हो, या लड़की लड़की झगड़ा बहाने ढूंढती है झगड़ा करने के, लड़का ढूंढता है, तो ये तरीके का कॉन्सेप्ट है कि मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे फुर्सत ही नहीं तुमसे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि एक रोमांटिक लव स्टोरी एक डेट पे जो गया